नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में आज खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर जब्त किया है। पनीर को मछली के कंटेनर में छुपा कर लाया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां से 1.5 क्विंटल से अधिक संदिग्ध पनीर को जब्त किया गया है। कार्रवाई फिलहाल अभी जारी है। जैसे बालू में पानी डाल के ट्रक आते हैं, वैसे ही वाला हाल है। मानते नहीं उनको, बताओ ना जैसे तुम मानते हो। ऐसे बात लोग समझा रहे हैं, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे कुछ होगा। बलि छोड़ा कौन है लोग थोड़ा। क्या कार्रवाई की गई है, कहां से पकड़ा गया है? कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर रीवा द्वारा टीम का गठन किया गया है और हम लोगों के द्वारा लगातार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाहरी क्षेत्रों से रीवा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध पनीर भेजा जा रहा है। आज 29 तारीख है, आज शादियों का काफ़ी बड़ा लग्न भी है, तो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा बस स्टैंड पे निगाह रखी जा रही थी। तो आज बस स्टैंड पे मछली की जो पेटियां होती हैं थर्मोकोल की बनी हुई, इनमें करीब 1.5 क्विंटल के आसपास पनीर जो है जब्त किया गया है। ये पूरा संदेहास्पद है और ये पूरा इसमें मछली की स्मेल आ रही है जिन कंटेनर्स में रखा गया है। ये समस्त पनीर जो है विनष्टीकरण इसका कराया जा रहा है और संबंधित उमेश सोंधिया जिनसे ये पनीर पकड़ा गया है, उनसे और वो किन किन को दे रहे थे सबकी जानकारी की कर लेकर के और इसमें कार्रवाई की जा रही है। कौन से बस स्टैंडों से कहाँ से आ रहा है? ये पुराने बस स्टैंड में पकड़ा गया है पूरा माल, और उमेश सोंधिया जी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जबलपुर से मंगवाया था और जबलपुर में कोई कमल घरे हैं उनसे मंगवाया है, उनका कहना है। लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, मेरा तो ये कहना है कि पनीर को लेकर के जो बहुत ज़्यादा आकर्षण लोगों का, इस वजह से लोग कैटरर्स भी जो हैं प्रयास ये कर रहे हैं उनको सस्ते से सस्ता पनीर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रोडक्शन उपलब्ध है या नहीं है, बस किसी भी तरीके से पनीर की उपलब्धता बनाई जा रही है। जब्त की गई पनीर के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है, जिसने अपना नाम उमेश सोंधिया बताया है। कार्रवाई के संबंध में खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि पनीर को मछली के कंटेनर में छुपा कर लाया गया था, जिसमें से मछली की भी बदबू आ रही है। जब्त किया गया पनीर पूरी तरह संदिग्ध है, जिसकी जाँच की जा रही है। खाद्य अधिकारी कहना है कि लगन के समय में इस तरह के व्यापारी बाहर से ऐसी पनीर मंगा कर खपत कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि बाजार में मिलने वाले खोआ, पनीर, दही सहित अन्य खाद्य सामग्री को अच्छे से देख परख कर खरीदें।